हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा से जुड़े किन्नौर और स्पीति के लोग जवाबदेही बुनियादी सुविधाएं न होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में संचार व सड़क सुविधा जवाबदेही हो तो पर्यटन को पंख लग सकते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई गांव ऐसे हैं जहां फोन से संपर्क साधने के लिए भी 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह सड़कों की दशा भी ठीक नहीं है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा से जुड़े किन्नौर और स्पीति के लोग जवाबदेही बुनियादी सुविधाएं ना होने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में संचार व सड़क सुविधा जवाबदेही हो तो पर्यटन को पंख लग सकते हैं। कुदरत ने यहाँ कई रमणीक और मनमोहक स्थल बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ की संस्कृति से बाहरी लोगों को भी रूबरू किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई गांव ऐसे हैं जहाँ फोन से संपर्क साधने के लिए 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह सड़कों की दशा भी ठीक नहीं है। रमणीक स्थलों पर पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। नाको जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों में बसे लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के लिए ऐसे जनप्रतिनिधि जाएं जो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझ सकें और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हों। लोगों का कहना है कि बेरोजगार युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के द्वार खुल सकते हैं। सौरव नेगी ने बताया कि किन्नौर के दूर दराज में इंटरनेट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। पर्यटन के क्षेत्र में किन्नौर काफी आगे जा सकता है। सड़कों की दशा ठीक नहीं है। वे चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि आगे आएं जो उनकी समस्या को समझ सकें। मेरा नाम डॉक्टर सौरव नेगी है, मैं रारंग से बिलोंग करता हूँ। आज के टाइम में किन्नौर बहुत पिछड़ा हुआ है इंटरनेट के मामले में, सड़कों के मामले में। वहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवा पीढ़ी आज के टाइम में बहुत बेरोजगार है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे किन्नौर में आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा प्रतिनिधि आए जो हमारी समस्याओं को समझ सके। वहीं होटल व्यवसायी शांता कुमार ने कहा कि नाको विश्व मानचित्र में पर्यटन के लिए अंकित है। यहाँ नाको विकसित लेक है, लियो पुरगिल हिमाचल का हाईएस्ट पीक है, 11वीं शताब्दी का लोचांग का लाखांग है। यहाँ कृषि व्यवसाय भी आशा अनुरूप नहीं है जिससे लोगों का गुजारा चल सके। बेरोजगारी को दूर करने के लिए पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा की ओर कोई काम नहीं किया है। मैं शांता कुमार नेगी, मैं नाको गांव का स्थायी निवासी हूँ। मैं नाको के बारे में आपको बताना चाहूँ तो नाको एक विश्व मानचित्र में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही विख्यात है, परंतु पिछले अगर तक टूरिज्म की दृष्टि से नाको में कुछ भी ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ जिससे देखा जाए कि लोगों को कोई रोजगार मिला हो या किसी प्रकार के लोगों को कोई सुविधा मिली हो। तो अब देखा जाए तो नाको में इतना बड़ा एक टूरिज्म आपका हमारा लेक है, हमारा 11वीं शताब्दी का लोचावा लाखांग मोनेस्ट्री है यहाँ पर, और हिमाचल के वन ऑफ द हाईएस्ट पीक रियो पुरगिल है यहाँ पर। तो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत कुछ यहाँ देखने लायक है, परंतु दुख की बात यह है कि आज नाको लेक के लिए ही अगर हम ले लें तो एक पार्किंग की सुविधा तक यहाँ पर नहीं है। स्पीति की ग्यू पंचायत के चंडीगढ़ निवासी कुंजुम हिशे ने बताया कि यहाँ दूर संचार की सुविधा नहीं है। अगर किसी को फोन करना हो तो कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों व बाहर रह रहे परिजनों से बात नहीं हो सकती है। मैं बलवंत सिंह होल्डिंग, गांव होल्डिंग से। यहाँ बात फोन का बड़ा दिक्कतें होते थे हमारा, तो बाकी जगह स्पीति में हर जगह फोन लगे हैं। ये होल्डिंग गाँव है जहाँ की फोन का कोई सुविधा है नहीं है। तो यहाँ पर IGP का एक फोन है सेटेलाइट का, वहाँ फोन करने जाए तो आधार कार्ड पहचान पत्र पूछते हैं और नाम वगैरह एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर भी बड़ी दिक्कतें होते हैं। तो परिवार हमारे बड़े दूर दूर रहेंगे तो उनसे बात करना चाहिए, बात होते नहीं जी, तो बहुत दिक्कतें होते हैं। तो ये आने वाले सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जी कि ये फोन का इंतजाम किया जाए। मंजीत नेगी ने बताया कि किन्नौर में यातायात और टेलीफोन की सुविधाएं आशा अनुरूप नहीं है। हर साल बाहर से सैलानी यहां की संस्कृति और सुंदरता को देखने तो आते हैं,
लोगों के आय का प्रमुख साधन भी टूरिज्म है। वे आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवार को देखना चाहते हैं जो उनके क्षेत्र के हितों का ध्यान रख सके। ग्राम पंचायत घ्यू का एक निवासी हूं और हमारे पंचायत में BSNL टावर ना होने की वजह से हमें रिश्तेदारों से बात करने में बहुत तकलीफ होती है। अगर कहीं कुछ आपदा आ जाती है तो हमें 3-4 दिन बाद ही पता लगता है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।